दो नमकीन के पैकेट देना। यहाँ से क्या सामान ले रही है, आगे दुकान से ले लेंगे ना। तो आगे से भी तो वही सामान मिलेगा जो इस दुकान से मिलेगा। 20 रुपए। ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगी ना। हाँ जी हाँ जी। और भाई कहाँ तक पहुँची तैयारी? बस एक बार और रिवीजन करना है यार। कर ले भाई, एग्जाम निकल जाएगी। हो गई। ठीक है, और बता कैसे आना हुआ तेरा? ऐसे ही यार टहल रहा था, सोचा मिल लूँ तुझसे। चल ठीक है, नमकीन वगैरह दो कुछ? अरे नहीं ठीक है, तू पढ़ाई कर। यार जेश इतनी धूप हो रही है, कितना चल पाएगा? और आ जा लेने। मैडम छाव में आ जाइए, धूप बहुत तेज है। नहीं कोई बात नहीं। अरे आ जाइए, यहाँ पे बैठ के इंतजार कर लीजिए ना। मैं ये दुकान पे मिलूंगी, आज ही लेने। वैसे आप किस चीज की प्रिपरेशन कर रहे हैं? UPSC की। आपको भी एक सिविल सर्वेंट बनना है? आप भी? हाँ मैं भी UPSC की तैयारी कर रही हूँ। चल अच्छा है। इस साल मैं मेंस के एग्जाम्स दूंगी। मेरा तो पहला अटेम्प्ट है प्रीलिम्स का, बस उसी की तैयारी कर रहा हूँ। नाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आगे मेरे दोस्त। थैंक यू। सुनिए, अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह चाहिए ना तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकती हूँ। वो मेरी कोचिंग के ना प्रीलिम्स के नोट्स है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। नोट्स काम आ जाएंगे। ठीक है, मैं शाम को दे जाऊंगी। वो लड़का गए जो यहाँ पे बैठा होता है? भैया तो वो पापा के साथ गए हुए हैं। अच्छा, तो ये ना कुछ नोट्स थे, याद से अपने भैया को दे देना। भैया ये दीदी लेके गई थी। कब आई थी? 1 घंटा पहले। मन लगाकर तो तुम पढ़ ही रहे हो, अच्छे से और शांत मन से एग्जाम लिखना, जो भी होगा ना अच्छा ही होगा। ठीक ठीक लगाओ भैया, ये रद्दी नहीं है। अरे भैया हमारे लिए सारी किताबें रद्दी हैं। ठीक है लगाओ। तुम्हारा दोस्त कहाँ है? क्यों कुछ काम है क्या आपको? हाँ वो आज प्रीलिम्स का रिजल्ट आया ना, तो मुझे पूछना है उससे। वो देखो वो रहा, उदास बैठा है बेचारा, एग्जाम नहीं निकला ना, और मेरे यहाँ तो सारी किताबें बिकवा रहा है अपनी। क्या चल रहा है आप? हाँ दुकान पे तो तुम मुझे मिले नहीं, तो यहाँ चली आई, उदास हो लगता है। हो लो उदास। मैं भी ना ऐसी उदास होती जब मेरा पहली बारी मेरा प्रीलिम्स नहीं क्लियर हुआ था। मुझे ऐसा लगा था कि शायद UPSC मेरे लिए बना ही नहीं है, मैं कुछ और ही कर लूँ। लेकिन फिर पता नहीं एकदम से दिमाग में थॉट आया कि एक अटेम्प्ट ना और देकर दिखते हैं खुशी, क्या पता इस बार क्लियर हो जाए। फिर मैंने और मेहनत करी और फिर दूसरी बारी में मेरा प्रीलिम्स क्लियर हो गया। तुमने वो कहावत तो सुनी होगी ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिर पर पड़त निशान। तुमने अभी एक बार ही अटेम्प्ट दिया है और तुमने उसी से हार मान ली। जब तुमने ये सपना सोचा है तो तुम भी तो उसको कामयाब करोगे और जरूर कर सकोगे, देख लेना। मैं एक अटेम्प्ट और दूंगा। तुम्हें और कुछ भी हेल्प चाहिए ना रिगार्डिंग बुक्स या नोट्स की तो तुम मुझे बता देना। ये क्या करने जा रहा था मैं?